प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनके विरोध स्वरूप वो इस बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। स्वाधीनता दिवस से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा के 4-54 इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जिस तरह किसान आंदोलन का असर लाल किले पर दिखा, उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भारत में 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का प्लान कर रहे थे। आतंकी मोटरसाइकिल आईईडी का इस्तेमाल कर हमले की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को पाक रेंजर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों और अधिकारियों को अटारी वाघा सीमा की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर मिठाई दी। वहीं भारत 15 अगस्त को पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई भेंट करेगा। इस दौरान कुछ पल के लिए दोनों सीमाओं के बीच गेट को खोला गया और लाइन जीरो पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि अगले 5 साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 477 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। दुनिया में गुरुवार को कोरोना वायरस के 7,12,000 मामले सामने आए। 8 दिनों में चौथी बार नए केस का आंकड़ा 7 लाख के पार कर गया है। गुरुवार को 5,60,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 10,371 संक्रमितों की इसके चलते मौत हुई। लगातार तीसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर रहा है। बारिश से उत्तर भारत में बुरे हाल है। पहाड़ों पर जहां भूस्खलन चुनौती खड़ी किए हुए है, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ कहर ढा रही है। बिहार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के तटवर्ती जिलों में 22 लाख से अधिक की आबादी गंगा के पानी से घिर रही है। पटना से सटे दानापुर के कई गाँवों में पानी घुस गया है, लोग पलायन करने में लगे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोने की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला है। 149 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत 46,680 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की चमक कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है।